दोस्तों एक कहावत तो आपने सुनी होगी, गरीबी में आटा गीला। पहले से ही लूट चुके इंसान को कोई क्या लूटेगा, लेकिन क्रिप्टो की दुनिया में ऐसे भी ठग मौजूद है जो किसी भी तरह से ठगी को आंखों के सामने से बेहद सफाई से अंजाम दे सकते हैं। दरअसल मैं बात कर रहा हूं हाल ही में कोलैप्स हुए क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज FTX की, जिसे भी हैकर्स ने नहीं छोड़ा है। कहा जा सकता है कि मामला पहले से गर्म था और हैकर्स ने उसी का फायदा उठाते हुए कईयों को अपने जाल में बड़ी आसानी से फंसाया है। कोलैप्स क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज FTX को वीकेंड में अनऑथोराइज्ड ट्रांजैक्शंस की एक सीरीज का सामना करना पड़ा, जिसके बाद यूजर्स और एनालिस्ट ने इसके मोबाइल एप्लीकेशन या वेबसाइट पर किसी भी तरह से इंटरैक्ट होने के खिलाफ कई चेतावनियां दी। 11 नवंबर को FTX से जुड़े वॉलेट से लगभग $266.3 मिलियन का आउटफ्लो देखे जाने के बाद से एनालिटिक्स फर्म नाइनसेन ने पर्दा उठाया था। इतना ही नहीं, दूसरी तरफ यूनाइटेड स्टेट्स में ऑपरेट की जाने वाली सेपरेट एंटिटी FTX US से भी $73.4 मिलियन की चोरी को अंजाम दिया गया था। चीजें यही नहीं रुकी, बल्कि नाइनसेन डेटा जर्नलिस्ट मार्टिन ली के मुताबिक दिन के उजाले में सेंध लगाने के बाद एलिज अटैक ने रात के अंधेरे में रफ्तार पकड़ी और इस तरह से FTX और FTX US से कुल $659 मिलियन का नेट आउटफ्लो हुआ। बता दूं कि ये पिछले 7 दिनों में वॉलेट्स के नेट आउटफ्लोस का लगभग 1/3 रिप्रेजेंट करता है। अटैक की जानकारी मिलते ही FTX US ने बचे हुए क्रिप्टो को कोल्ड स्टोरेज में मूव कर दिया है। दरअसल FTX US जनरल काउंसिल रैन मिलर ने इस बारे में बताते हुए 12 नवंबर को इसकी पुष्टि की कि अनऑथोराइज ट्रांजेक्शंस को अंजाम दिया गया है। वहीं दूसरी तरफ ब्लॉकचेन फॉरेंसिक फर्म एलिप्टिक ने 12 नवंबर को अपने ब्लॉग पोस्ट में इथेरियम, BNB स्मार्ट चेन और एवलांचे जैसे कई अलग अलग टोकन्स के ड्रेन की वजह से रिमूव होने की बात कही है। हालांकि उन्होंने कहा कि $663 मिलियन के ड्रेन में से लगभग $477 मिलियन की चोरी होने का शक है, जबकि बचे हुए FTX द्वारा सिक्योर स्टोरेज में मूव किए जाने का अनुमान है। FTX के टेलीग्राम ग्रुप के एक एडमिनिस्ट्रेटर ने कंफर्म किया है कि एक्सचेंज को हैक कर लिया गया था और पोटेंशियल सिक्योरिटी वल्नरेबिलिटीज के कारण यूजर्स से FTX वेबसाइट का इस्तेमाल नहीं करने का आग्रह किया। इसके साथ ही कम्युनिटी एडमिनिस्ट्रेटर रे ने इसने लिखा कि FTX साइट पर न जाए क्योंकि ये ट्रोजन डाउनलोड कर सकता है। FTX के मेल्टडाउन और अपेरेंट सिक्योरिटी ब्रीच को लगभग रियल टाइम में ट्विटर पर डॉक्यूमेंट किया गया था। कुछ यूजर्स ने दावा किया था कि FTX कस्टमर्स को SMS मैसेजेस और ईमेल्स मिल रहे थे जो उन्हें ऐप और वेबसाइट में लॉगिन करने का आग्रह कर रहे थे जो उस समय से ट्रोजन इन्फेक्टेड है। बाद में ट्वीट करते हुए क्रैकन के चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर निक पेरेकोको ने बताया कि वे यूजर्स आइडेंटिटी के बारे में जानते थे, लेकिन पब्लिकली उन्होंने कोई और जानकारी शेयर नहीं की थी। FTX का कोलैप्स बिल्कुल फिल्मी तरीके से हुआ है, जहां हफ्ते की शुरुआत में FTX ने टॉप 3 दावेदारों में अपनी जगह बनाए रखी थी। वहीं 7 नवंबर के आते ही इसके देखते ही देखते अर्थ से फर्श पर आने का सिलसिला शुरू हो गया। CoinDesk रिपोर्ट ने FTX एम्पायर के ट्रेडिंग पार्टनर अल्मेडा के साथ रिलेशनशिप को ट्रिगर किया, जिसके बाद Binance CEO चैंगपैंग झाओ ने FTX से अपने पूरे FTT टोकन को निकालने की ट्वीट के जरिए घोषणा करने के साथ आग में घी डालने का काम किया। इनसॉल्वेंसी रूमर्स के बीच बायनांस के इस एक कदम ने FTX के लिक्विडिटी क्राइसिस से पर्दा उठाया, जिससे वो चाहकर भी उभर नहीं सका। लाख हाथ पैर मारने के बाद 11 नवंबर वो दिन था जब फॉर्मर FTX CEO सैम बैंकमैन-फ्राइड ने FTX, FTX US और एलमिडा रिसर्च के लिए बैंकरप्सी फाइलिंग की। ऐसे में FTX ट्रेडिंग ने अपने बैंकरप्सी पिटीशन में बताया कि इसके पास एसेट्स में $10 बिलियन से $50 बिलियन और लायबिलिटीज में $10 बिलियन से $50 बिलियन और 100,000 से भी ज्यादा क्रेडिटर्स मौजूद है। इतना ही नहीं, बैंकरप्सी फाइल FTX के CEO के रूप में जॉन रे 3 ने पदभार भी संभाला है। खैर, आज के लिए बस इतना ही। ऐसे दिलचस्प और लेटेस्ट न्यूज अपडेट पाने के लिए सबसे पहले लाइक एंड शेयर करें हमारा वीडियो, सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल और लेटेस्ट अपडेट्स हमेशा पाने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। ऐसे में आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। ऐसे ही Web3 से जुड़ी सभी नए खबरों के लेकर मैं संदीप कसालकर फिर आपसे मिलूंगा। तब तक के लिए देखते रहिए 3.0 TV।